डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जो कुछ पार्ट छूट गया था अपना, वो पार्ट अब ले रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन छूट गए थे तो उसको मैंने फिर से ही, जो 5-7-10 क्वेश्चन और हैं इम्पोर्टेंट, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं तो ये क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज दीर्घवृत्त आपका कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, दीर्घवृत्त की नाभि मूल बिंदु पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गलती करने का सबसे मतलब शॉर्टतम रास्ता यही है। ठीक है, मूल इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। नाभि कहाँ पे है? मूल बिंदु पे है। रेखा x इजल टू 4 इसकी नियता है। अब सोचो, पहले बात तो ये दीर्घवृत्त है कोई, ठीक है। अब ये कोई x इजल टू 4 है, इसकी नियता है, तो ये दूरी सेंटर से 4 नहीं है, ये इसकी नाभि से है। नाभि मान लेते हैं हम AE0 और ये मान लेते हैं A/E। इसका मतलब नाभि से और नियता के बीच की दूरी क्या है? 4 है। तो ये लो भाई, AE माइनस A इजल टू 4 एंड E इजल टू आपके पास कितना है? 1/2। तो 2A - A/2 इजल टू 4, तो A इजल टू क्या आ गया आपके पास? 8/3 आ गया। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना कि सेंटर मूल बिंदु पे है, नाभि मूल बिंदु पे है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दूरी की ध्यान रखना, क्योंकि A/E तो क्या होता है, पूरा सेंटर के बीच की होती है। देखो दीर्घवृत्त हम ये लेते हैं तो ये नियता की ये दूरी लेते हैं हम, लेकिन अब अगले ने दे दिया नाभि के बीच की दूरी, तो हमने नियता माइनस नाभि लगा दिया, तो ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, दीर्घवृत्त x2, ये तो इजी है, कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x2/a²y²b² = 1, स्पर्श रेखाएं निर्देशी अक्षों से निर्मित त्रिभुज न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होगा? देखो भाई, ये कोई दीर्घवृत्त है और ये मान लिया स्पर्श रेखा है। न्यूनतम क्षेत्रफल मतलब पहले ये डिस्टेंस अपने पास होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएं तो अपन निकाल सकते हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेट आ गया और ये कोऑर्डिनेट आ गया 0 0। अब पहले तो स्पर्श रेखा की इक्वेशन लिखो, स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा की इक्वेशन लिखो, x/a cos θ + y/b sin θ = 1। अब देखो y का यहां पे 0 पुट कर दो तो ये इक्वेशन आपके x इजल टू कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास? a/cos θ एंड 0 किसके? p के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, a/cos θ, ये q मान लो आप। ठीक है, तो q क्या हो जाएगा? x की जगह 0 कर दो तो 0 b/sin θ, तो b/sin θ आपके पास आ गई। अब देखो क्या चाहिए आपको, क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 1/2 a cos θ b/sin θ, ab/sin 2θ। ठीक है, देखो ये डिस्टेंस मैंने लगा दी, ये तो कितनी आई आपके पास a cos θ, और ये आपके पास कितनी आई? ab/sin θ आई थी। तो ये दोनों लगा के अब ये वैल्यू न्यूनतम की कब होगी? पूरी पूरी न्यूनतम जब होगी जब sin 2θ क्या होगा? अधिकतम होगा। और sin 2θ, साइन हमेशा आपको पता ही है 1 से अधिक नहीं हो सकता, तो न्यूनतम वैल्यू क्या आ जाएगी? ए एंड बी आ जाएगी। थीटा इजल टू वही π/4 पे होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? ए बी आंसर हो गया।
नेक्स्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड ग्रेड में पूछने लायक है। 4x² + 9y² = 36, x + 3y - 7 = 0 के समांतर व्यास की संयुग्मी व्यास का समीकरण। आपको संयुग्मी व्यास का समीकरण निकालना है। संयुग्मी व्यास में एक तो हमें ये पता है m1 m2 = -b² / a, तो पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर में चेंज करो। वैसे तो मैंने बताया हुआ है ए स्क्वायर इधर लिख दो और बी स्क्वायर इधर लिख दो, लेकिन चलो मैं पूरा कर ही देता हूँ। +y² / 4 = 1, तो ये ए स्क्वायर बन गया और ये बी स्क्वायर बन गया आपका, ठीक है। संयुग्मी व्यास एक तो इसके समांतर है, इसका मतलब x + 3y = 0, क्योंकि व्यास होगा वो केंद्र से जाएगा भाई, सेंटर से जाएगा, तो ये एक तो ये हो गया। इसका मतलब m1 की वैल्यू तो यहाँ से निकाल लो, -1/3, ठीक है। अब ये लेके आओ m1 m2 = -b² / a, तो m1 की वैल्यू 1/3। देखो कोई भी व्यास होगा तो वो सेंटर से जाएगा, सेंटर इस दीर्घवृत्त का क्या 0 0, तो इक्वेशन ये आएगी स्ट्रेट लाइन की। माइनस का बी स्क्वायर क्या हो गया 4/9, तो ये 3 से 3 कट गया, 9 ये कट गया। m2 = क्या आ गया आपके पास 4/3। अब इक्वेशन लिखो, व्यास होगा दूसरा वो 0 0 से जाएगा, y - 0 = 4/3 x - 0, तो कुल मिला के 4x - 3y = 0 आपका आंसर हो गया, 4x - 3y। देखो दोबारा संयुग्मी व्यास है, m1 m2 = -b² / a² ये फॉर्मूला है, इसके समांतर है तो एक व्यास तो आ जाएगा 0 0 से जाएगा, तो ये लाइन आ जाएगी आपकी। m1 तो आपकी आ गई, m2 अब निकालो, और फिर वो दूसरा व्यास भी 0 0 से जाएगा, तो आप लिख लो ये m2 आ गई आपकी और 0 0 से जो इक्वेशन है वो लिख दो, आपका आंसर सेट हो जाएगा। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x² + 2y² = 2, किसी रेखा के निर्देशी अक्षों के मध्य अंतःखंडित भाग का मध्य बिंदु, ये फिर स्पर्श रेखा ही है। देखो डायग्राम देखो, ये कोई स्पर्श रेखा है, तो ये कोऑर्डिनेट निकालो। अब आपको मध्य बिंदु मान लेते हैं P, और ये कोऑर्डिनेट A मान लो और ये कोऑर्डिनेट B मान लो, तो B में ये तो 0 हो जाएगा और इसमें ये 0, स्पर्श रेखा है। तो देखो फिर से x/a की जगह क्या हो जाएगा, देखो पहले तो इसको चेंज करो, y² / 1 = 1। अब स्पर्श रेखा बनाओ आप, x/a की वैल्यू क्या है √2 cos थीटा, y/1 sin थीटा = 1। अब ये y की वैल्यू 0 करो तो a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगे एक √2 cos थीटा 0, और b की कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 कर दो तो 0 1/sin थीटा ये आ गई। अब इसके कोऑर्डिनेट आप xy मान लो, जो इसका बिंदुपथ निकालना है, तो मैंने एक तरीका बताया कि 2x डायरेक्ट लिख दो, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया √2 cos थीटा और ये 1/sin थीटा 2/√2 cos थीटा, एंड दूसरा 2y/sin थीटा। अब देखो यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालो, 1/√2x, sin थीटा = 1/2y, तो 1 = क्या बन जाएगा 2x² + 4y², ये जहां कहीं भी है इक्वेशन वो आपका आंसर बन जाएगा, ये लो। दोबारा देखो वही है, सेम स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा की इक्वेशन ले गए हम, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकाल ले क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 0+√2 / cos θ / 2, जो 2 में था मैंने 2x कर दिया यहीं पे, और इसको हमने 2y कर दिया, ठीक है, और इनको दोनों को जोड़ के लिखा 0+√2 cos θ
तो यहाँ जीरो लिख दोगे तो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं आनी, यहाँ जीरो लिखोगे तो भी यही चीज़ आने वाली है। कोस थीटा साइन थीटा की मैंने वैल्यू बताई है, कोस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि इसका वन बनता है तो थीटा गायब हो जाएगा आपका, तो बिंदु पथ डायरेक्ट ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 27 वाई स्क्वायर इजगल टू 1 है, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा एक्सों पे काटे गए अंतःखंडों का योग न्यूनतम है, मतलब एक्सों पे जो अंतःखंड ए एंड बी काटा है उसका योग क्या है, ए एंड बी इसका दीर्घवृत्त का नहीं है, अंतःखंडों वाला ए बी ये दीर्घवृत्त मानो, और ये स्पर्श रेखा, ये ए और ये बी, इन अंतःखंडों का योग क्या है, न्यूनतम होना चाहिए, तो इनका योग हमने ए प्लस बी कर दिया। अब वही लगाओ, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/3√3 कोस थीटा प्लस वाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये किसकी है, स्पर्श रेखा की, क्योंकि ए क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट निकालो ए के, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वैसे ए अंतःखंड ही निकाल लो ना, ए अंतःखंड क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0 रखो तो ए अंतःखंड हो जाएगा 3√3/cos θ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3 sec θ। बी अंतःखंड क्या हो जाएगा, cosec θ, लेमडा बराबर ए प्लस बी है, 3√3 sec θ प्लस का कोसेक थीटा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, न्यूनतम निकालना है तो यहाँ थीटा की कौन सी वैल्यू रखेंगे न्यूनतम आ जाए, पहले तरीका तो ये थीटा की वैल्यू से देखो आप न्यूनतम किस पे आ रहा है, दूसरा तरीका ये है कि डी लेमडा अपॉन डी थीटा निकालो, डी लेमडा अपॉन डी थीटा निकालो, 3√3 sec θ टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड कोट थीटा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इजगल टू 1/√3, टेन क्यूब इजगल टू क्या आएगा 3√3, इधर ले जाएंगे सबको तो टेन थीटा इजगल टू 1/√3, थीटा इजगल टू π/6 आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र निकाल लेना, इजी से आए कॉमन लेके और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केंद्र में तो नाभिलंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये भी इजी है, 2a² / e फॉर्मूला लगाना या 2a³/√a² - b² फॉर्मूला लगाना या फिर 2c² / ab, लेकिन ये फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि इसमें पहले स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी, ±ax ±by + c=0, ये स्पर्श रेखा अपने को बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पर्श रेखा कैसे होगी भाई, देखो ये कोई ना विलंब, ये भी ना विलंब, एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, तीसरी स्पर्श रेखा एंड चौथी स्पर्श रेखा, तो ये जो कटेगा ना उसी पे क्या करना है अपने को लेके आना है, जो ये बनेगा ना ये बीच में स्पर्श रेखाओं का, इसका एरिया निकालना है, तो आप इससे निकालना इजी आ जाएगा क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ से आपको 2 आ जाएगी, वो नाभी की वैल्यू, ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी ऊपर से, ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, ए की वैल्यू तो ऊपर से 2 आ जाएगी, तो जिससे क्या है कि आपका काम ठीक हो जाएगा, ये इक्वेशन लगाना, ए बराबर तो आ गया 2, ई बराबर क्या हो गया आपका 2/3, 2 × a की वैल्यू 9/2/3, तो 27 आपका आंसर डायरेक्ट हो गया। ये तो फॉर्मूला याद रख लेना, बाकी ये तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला है तो उससे हम निकालते हैं,
ठीक है, ये करना, ये मैंने बता दिया उसमें, ये कह रहा है कि ये दीर्घवृत्त है कोई और ना भी लंब। हाँ, ये कह रहा है कि ये जो एंगल है ना नाभि से मिलाने, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है पीछे, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, शायद सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभिलंब जीवाओं के ध्रुवे का बिंदु पथ, पहली बात तो दूरी निकालो, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये अभिलंब जीवा भी है तो अभिलंब का इक्वेशन निकालो, बी एक्स सेक 5 माइनस, नहीं बी एक्स नहीं, ए एक्स एंड बी वाई कोसेक फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेरिजन करो, आपका आंसर आ जाएगा एक्स वन अपॉन ए की क्यूब कोस फाइव, ऊपर ली ले के जा रहा हूं मैं साथ में, वाई वन अपॉन बी की क्यूब साइन फाइव। देखो यहां लिखोगे कंपैरिजन सेक भाई, लेकिन मैं साथ में ही ऊपर लेके जा रहा हूं, तो देखना इसको बी स्क्वायर। अब कोस फाई की वैल्यू निकालो और साइन फाई की वैल्यू निकालो, जोड़ो, आपका आंसर आ जाएगा, आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये तो दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अब ये हो सकता है फिर, क्योंकि स्क्वायर होगा तो ए की सिक्स हो जाएगा, ये आंसर मैच हो सकता है। आप डायरेक्ट आइडिया भी लगा सकते हो, क्योंकि इसका को स्क्वायर करोगे तो ए की सिक्स हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर 3 नहीं रहेगा, तो ये डायरेक्ट आइडिया भी ऐसे भी मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन करना अपने आप, ये क्वेश्चन कोई ज्यादा हैवी नहीं है, इसकी जीवा की इक्वेशन निकालना और फिर समघात बनाना इसको, क्योंकि 90 डिग्री काट रहा है ना, तो समघात बनाओगे तो प्रतिच्छेद बिंदु की निर्देशांक का बिंदु पथ आपके पास आ जाएगा। आज बस इतना ही, दीर्घवृत्त आपका कंप्लीट हो चुका है यहां पे। ठीक है, दीर्घवृत्त में और कुछ भी नहीं बचा है सार श्रेणी में जो बताए बिना रहे, अब अति परवलय स्टार्ट करेंगे। ओल्ड बुक में जो भी था वो अपने आप पढ़ना, क्योंकि ओल्ड बुक में देखो 10-15 तो टोटल क्वेश्चन है, हमने 150 किए हैं, क्या वही 10-15 नहीं कर सकते? तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप वो करना और बाद में हम मैराथन क्लास लेंगे जो भी ओल्ड बुक और न्यू बुक की है ना, पूरी की पूरी फटाफट एक दिन में एक बुक को निपटाएंगे, तो उसमें वो क्वेश्चन आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो आज बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।